हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ईश्वर चंदेल एंड आज हम डिस्कस करेंगे टाटा नेक्सॉन के बारे में, जो हमारे पास आई हुई है। एक्चुअली डिवाइडर पर चढ़ चुकी थी, जिसमें इसमें सस्पेंशन में काफ़ी पार्ट डैमेज हुआ है, तो आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो एंड तक देखते रहिए, मैं इसे बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट डैमेज हुआ है, हम क्या क्या रिप्लेस करेंगे। एक्चुअली ये देखिए कि इसका जो फ्रंट टायर है वो पीछे की तरफ जा चुका है, आपको फोटो में क्लियर दिखेगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसे नीचे से बताता हूँ क्या क्या डैमेज हुआ है। ये देखिए, इसमें इसका जो बूट फट चुका है और ये राइट साइड की जो आर्म है भी बेंड हो चुकी है, और इसकी जो ड्राइव शाफ्ट है वो भी बाहर आ चुकी है, जिसके कारण ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। ऑयल लीकेज देख सकते हो आप, एंड इधर का तो ओके है। और ये देखिए, ये जो बूट फटा हुआ है और ये पोर्शन भी यहाँ से डैमेज है, ये वाला, और बाकी का ये पूरा हिस्सा डैमेज हो चुका है, ये देखिए क्लियर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे उतारेंगे। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और आप एंड तक देखते रहिए। तो फाइनली हमने इसे नीचे उतार लिया है, और अभी मैं इसका सस्पेंशन चेक करूँगा कि क्या कंडीशन है स्टीयरिंग एंड और बैलेंस रॉड के बुच की। अभी हम इसकी स्टीयरिंग रैक खोल लेते हैं, क्योंकि हमें इसका क्रॉस मेंबर पूरा नया डालना है, और दोनों आर्म में भी हम नहीं डालेंगे इसके, हम बैलेंस रॉड के जो बुच हैं वो भी हम नहीं डालेंगे। देखिए, ये एंड ख़त्म हो चुके हैं, वो स्टेबलाइजर लिंक भी ख़त्म है। स्टीयरिंग एंड अच्छे हैं, तो हम इसे नहीं चेंज करेंगे। ये आर्म भी हम नहीं डालने वाले हैं, ये वाली लिंक भी ख़त्म है, हम इसे दोनों साथ में ही डालेंगे। Thank you.
ये स्टीयरिंग एंड भी इसका अच्छा है, हम इसे भी नहीं चेंज कर रहे हैं। ये इसका क्रॉस मेंबर है जो हमने नया मंगाया है, ओरिजिनल टाटा का। और हमने इसके आर्म वगैरह भी मंगा दिए हैं। एक्चुअली इसके पहले ये गलती से ये जो पुराना वाला रखा हुआ है ये पेट्रोल कार का आ गया था, हमें इसे रिप्लेस कराना है। और ये लेफ्ट हैंड साइड के आर्म है, ये भी ओरिजिनल टाटा की है। ये जो क्रॉस मेंबर है ये पेट्रोल का है, इसकी साइज छोटी है। ये इसकी राइट वाली साइड वाली आर्म है। ये देखिए ये ओरिजिनल टाटा की है। हम माउंटिंग गियर माउंटिंग भी नया डालने वाले हैं क्योंकि वो भी अंदर से टूट चुका है, उसका जो रबड़ होता है वो ख़त्म हो चुका है। और हम ये स्टेबलाइजर लिंक भी नहीं डालने वाले हैं। तो फाइनली हमारा जो क्रॉस मेंबर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें आर्म स्टेबलाइजर लिंक बैलेंसर के बुच न्यू डाल चुके हैं। और जो हमारी स्टेयरिंग है रैक, हमने उसका एंड नहीं डाले क्योंकि वो अभी अच्छी कंडीशन में है। तो हम इसे फाइनली वापस ऊपर चढ़ा देंगे। और मैं इसकी वीडियो आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी वीडियो हमारी जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली ये ऊपर चढ़ जाता है। हमने जिस तरीके से खोला था हम इसे वैसे ही फिट कर देंगे। तो फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हम इसे ट्रायल के लिए लेकर जा रहे हैं। इसका जो फाइनली अलाइनमेंट का काम बाकी है क्योंकि सस्पेंशन के बाद अलाइनमेंट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में और अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और इस वीडियो में क्या क्या कमियाँ थी और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।